उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 24 अगस्त को जनपद के 73 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ADM वित्त एवं राजस्व एवं प्रभारी ADM सिटी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए परीक्षा की तैयारियों को लेकर ADM सिटी कार्यालय में बैठक किया गया, जिसके संबंध में प्रभारी ADM सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 24 अगस्त को दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली की अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा को सकुशल और सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। इस अवसर पर DIOS ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM वित्त एवं राजस्व एवं प्रभारी ADM सिटी राजेश कुमार सिंह ने कहा, क्या मॉनिटर क्या करेंगे आपको? एक ऐसा बंदा मॉनिटर करेगा जिसको परीक्षा मालूम ही नहीं होगी। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर, मैं डिस्कस करूंगा जी। और हिंड्रेंस होगा सर? नहीं, हिंड्रेंस हो गया ना। अभी मैंने जिन लोगों से बात की है, प्रोफेसर मीटिंग PET एग्जाम के किस तरीके है जनपद में आगामी 24 अगस्त को, जो पहले 20 अगस्त अनाउंस हुआ था, आगामी 24 अगस्त को हमारे जनपद के कुल 73 केंद्रों पर PET परीक्षा होगी। इसमें लगभग 81,000 परीक्षार्थी बैठ रहे हैं। ये सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5 बजे तक होगी। दो शिफ्टों में होगी, हर शिफ्ट में अलग अलग विद्यार्थी रहेंगे। इसमें हमारे प्रत्येक केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, और इसके अतिरिक्त जो इनविजिलेटर और केंद्र प्रभारी हैं वो तो होंगे ही। परीक्षा को सकुशल और सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज हम लोगों ने एक बैठक की है, ये तैयारी बैठक है। और कल हम 3 बजे इसमें एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं।